नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी अलापूजा अलापुरा में हूँ और यहाँ आप होम स्टे में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और पूरे वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी यहाँ की मिलने वाली है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सामने चौराहे से यदि हम लेफ्ट जाते हैं तो सामने बीच आ जाता है और ये हमारा होम स्टे है, आप देख लीजिए। ये नीचे नंबर भी है नौशाद भाई का और ये घर है। आइए मैं आपको पूरा घर का एक टूर दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बड़ा पार्किंग, दो चार गाड़ी यहाँ आराम से खड़ा हो सकता है। ये पूरा घर है और यहाँ हम देखेंगे तो पूरा सीसीटीवी से ये कवर हो रहा है। ये देखिए आप, सीसीटीवी लगे हुए हैं। और यदि हम रूम की बात करें तो ये देखिए, पहले ये यहाँ पर एक सिटिंग के लिए जगह है, फैन लगा हुआ है यहाँ पर और एक बड़ा सा एक अलमारी भी यहाँ पर रखा है। ये यहाँ बाहर कुर्सी रखी है और ये बैठने का है और पानी की व्यवस्था है। देखिए आप, पानी है यहाँ पर। और ये अंदर हम एंट्री करते हैं तो ये पहला एक रूम बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं। टीवी लगा हुआ है और ये पूरा इस तरह से पूरा घर है। और ये एक कमरा है, ये देखिए यहाँ एक खिड़की लगा हुआ है। ये आप देखेंगे तो एक कमरा है, एसी लगा हुआ है और ये यहाँ पर अटैच इसका बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम आप देखें। और ये यहाँ का बेड और ये खिड़की है, ये अलमीरा है और ये ड्रेसिंग के लिए। और दूसरे रूम में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ जैसे हम इधर एंट्री करते हैं तो ये आप देखें, ये एक बड़ा सा हॉल यहाँ पर। और ये यहाँ किचन है, किचन में आपको दिखा देता हूँ। किचन अभी लॉक है यहाँ से तो किचन में नहीं जा पाएंगे, काफ़ी बड़ा किचन है आप देखें, इधर भी है। तो ये एक रूम यहाँ है, ये भी लॉक है। और एक रूम ये इधर है, ये मेरा रूम है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इधर का बाहर का एरिया है आप देखें, ये यहाँ आप कपड़े वगैरह डाल सकते हैं, खुला एरिया है यहाँ पर इधर बाहर की तरफ। ये पीछे की साइड में आप देखें, इधर डाइनिंग टेबल है और काफ़ी स्पेस यहाँ पर है आप देखें। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और ये बैक साइड में काफ़ी स्पेस यहाँ पर है आप देखिए, ये अंदर का और ये बाहर का व्यू। और यहाँ यदि हम देखें, यहाँ भी जैसे देखिए पानी की व्यवस्था भी है। ये नौशाद कोराइल नाम लिखा है इनका। और ये पानी के लिए यहाँ भी व्यवस्था है। और ये किचन की एंट्री है, यहाँ से भी है, अंदर से भी है, किचन अभी बंद है। और यहाँ से हम बाहर की तरफ, सामने की तरफ जा सकते हैं, यानी ये बैकयार्ड हो गया। तो अंदर से आए हैं अभी हम और इधर से हम बाहर बाहर भी जा सकते हैं। जैसे ये दरवाज़ा है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये सामने का व्यू आ गया, ये सामने का व्यू आ गया। यहाँ इसका नौशाद भाई, इसका लोकेशन क्या है यहाँ इस जगह? नौशाद भाई, इस जगह का लोकेशन क्या है? टाउन पर से लोकेशन आलपुड़ा वेल्लकनार जंक्शन, साउथ ऑफ वेल्लकनार कोरेल रेसिडेंसी। ओके। और अभी मैं आपको यहाँ के ओनर से मिला देता हूँ। भाई साहब आपका नाम बताएं। नौशाद। नौशाद भाई आप यहाँ ओनर हैं, यहाँ आपके इस घर में कितने कमरे हैं? मेरा घर में चार कमरा है। चार कमरा है। हाँ।
ओके, और क्या रेंट होता है एक एक कमरे का, एक आदमी का, पूरे घर का ऐसा? तो अभी एसी है, नॉन एसी है। ओके, एसी का भी है, नॉन एसी का भी है। हाँ, एसी कितना है? एसी का 1500। 1500, 1500 है। हाँ, एसी में, एसी का कितना है रूम आपके पास? एसी का मेरा 3 रूम है। 3 रूम एसी का वाला हाँ। है, ओके। और नॉन एसी का? नॉन एसी का अभी 2 है। नॉन एसी का 2 कमरा है, 2 रूम है, तो उसका क्या रेंट है? इसका 1000 आते हैं। 1000 में एक रूम दे देता है? 1000 में। ओके, और कोई फैमिली आएगा तो? फैमिली आएगा तो इसमें किचन है, डाइनिंग टेबल है। ओके, किचन डाइनिंग टेबल है, किचन है, पूरा गैस गैस भी है, वो इक्विपमेंट्स पूरा है इधर। ओके ओके, तो उसका कितना किराया होता है फैमिली का? फैमिली का पूरा वो एक घर पूरा देते हैं ना। हाँ, एक फैमिली 3 कमरा पूरा लिया। हाँ, एक घर लिए 4000 में देते हैं। 4000 में देता है? हाँ, एक 3 कमरा, 3 कमरा और एसी और नॉन एसी, किचन डाइनिंग टेबल। अच्छा, पूरा पूरा घर कितने में देते हो एक रात के लिए? पूरा घर 4000 में देते हैं। 4000 में, उसमें अच्छा, कितना कमरा आ जाएगा? सर कमरा 3-4 कमरा आते हैं। 3-4 कमरा इसमें है। अच्छा, वो पूरा मिल जाएगा? और सिंगल कोई अकेला आए तो उसको? अकेला आएगा तो वो इसका एसी चाहिए तो वो अकेला 1000 में देते हैं। 1000 में एसी वाला रूम है? 1000 में देते हैं। ओके, परवाह नहीं। ओके, और नॉन एसी का? नॉन एसी का मैं देते 800 में नॉन एसी का दे देते। ओके ओके, तो इस तरह से ये, और गैस वगैरह पूरा है फैमिली के लिए? हाँ, फैमिली का तो पूरा है। तो जैसे आपने कहा 4000 में पूरा फैमिली के लिए देते हो? हाँ देते हैं। और कोई फैमिली जैसे 3-4 दिन रुकना चाहे तो? रुकने का तो 3000 में रखने का तो आप थोड़ा कम करके देते हैं, मुश्किल नहीं है। ओके, थोड़ा कम हो जाए, डिस्काउंट हो जाएगा उसमें। ओके ओके, और यहाँ क्या सुविधा? सर्विस हाउस बोट है। ओके, हाउस बोट है। हाउस बोट भी है? हाउस बोट मतलब वो बैक वाटर का हाउस बोट। एक दिन 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा का हाउस बोट है। ओके, वो तो सीजन का रेट है, अभी एक के रेट में ही है। एक कमरा कितने का हाउस बोट में? हाउस बोट में अभी सीजन है, सीजन है तो एक कमरे में 8000 होता है। 8000 का एक कमरा है? अच्छा, वो सीजन का अनसीजन का टाइम 6000 में होता है। 6000 में हो जाता है, उसमें कितना लोग रह सकते हैं? पूरा सर्विस अच्छा है, मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट और लंच डिनर पूरा हाउस बोट में है। ओके ओके, और इंक्लूडिंग है। ओके, उसी के साथ आ जाता है पूरा, तीनों टाइम का खाना मिलता है उसमें। सुबह 12 बजे 11:30 बजे स्टार्ट होता है। ओके, और 5-6 बजे निकल सकते हैं। 5-6 बजे तक वो होता है सुबह? अच्छा, सुबह में मेरा कभी भी अगर दूसरे आदमी आके मेरा घर लिया और घर मांगते हैं और रूम चाहिए, मेरा ब्रांच है। ओके, अदर से और रूम नियरेस्ट मेरा और 4 कमरा 12 कमरा 12 रूम है। ओके, यानी अरेंज भी कर देते हैं। 50 आदमी आते हैं। हाँ, परवाह नहीं। ओके, कितना भी लोग आएगा, पूरा ग्रुप आएगा तो भी आप अरेंज कर देते हो? हाँ, मेरा अदर रूम है मेरे को। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। दे सकते। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 आदमी आ गया जी, 100 आदमी आ गया, मुश्किल नहीं। अच्छा, 50-100 आदमी भी आएगा ग्रुप बड़ा? जितने भी ग्रुप आएगा तो मेरे पास और दूसरा है। ओके, 4-5 रूम लॉज वो मतलब होम स्टे होटल मेरे पास है। ओके ओके, दे सकते हैं, परवाह नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात किया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ का था, ऑनर से हमने बात किया। हाँ, मेरा रूम भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आइए, ये मेरा रूम है, ये बेड है और ये यहाँ खिड़की है, फैन लगा हुआ है और टीवी है, एक बड़ा सा ये अलमीरा है, यहाँ पर कबाट है, शीशा है, मेरा सामान रखा हुआ है, ऊपर भी कबाट है और ये अटैच बाथरूम है, आप देखें। इस तरह से ये रूम। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा अपना कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।